फिलहाल देखिए जो नाव वाला जो झूला है वह चालू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और इस समय रात के बज रहे हैं 9:10, ठीक है। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के रथ यात्रा चौराहा पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रथ यात्रा जो मेला लगा हुआ है, रात का दृश्य, ठीक है। तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाना शुरू करते हैं और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस साइड भी देख रहे होंगे जो कि छोटा वाला झूला लगा हुआ है, और सामने देखिए नान खटाई का दुकान, जो कि रथ यात्रा जो मेला है उसमें काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है नान खटाई, ठीक है। इस साइड भी देख पा रहे होंगे नान खटाई का कई सारा दुकान है, और कुबेर कॉम्प्लेक्स के सामने भी देख रहे हैं ये कूदने वाला और बच्चों का छोटा वाला झूला भी आपको नज़र आ रहा होगा। फिलहाल देखिए एक रोड है, लेकिन फिलहाल ये पार्किंग एरिया बन चुका है। क्योंकि आगे जो रास्ता है उसे भी डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि अगर आपको महमूरगंज जाना होगा तो महमूरगंज जाने वाला जो रास्ता है वह बंद है, क्योंकि उसी साइड लगा हुआ है जगन्नाथ भगवान का रथ है और मेला लगा हुआ है। देख रहे हैं भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है। सामने आप देख पा रहे होंगे ये सामने है रथ यात्रा चौराहा। हालांकि देखा है तो दाहिने साइड वाला जो रास्ता यानी जो महमूरगंज के लिए जाएगा वह रास्ता फिलहाल अवरोधित यानी कि बंद कर दिया गया है। रास्ता को जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। इस साइड देखिए नान खटाई का दुकान, बाएँ साइड में ठीक है, इस साइड आप देख ही पा रहे होंगे। और आगे है रथ यात्रा मेला सहायता शिविर, सामने उस साइड आप देख पा रहे होंगे। और यह जो रास्ता है यह सीधे चला जाएगा गुरुबाग होते हुए लक्सा के लिए। चलिए इसी साइड से हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे जो कि डिवाइडर लगा के रास्ता को बंद कर दिया गया है, यानी कि दो पहिया वाहन भी इस समय नहीं जा सकता। अगर सुबह के समय आएंगे तो सुबह के समय देखिए भीड़ भी कम रहता है, तो उसकी वजह से आप दो पहिया वाहन इस साइड से आप लेके जा सकते हैं। फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको भीड़ नज़र आएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे और एक लाइन से पूरा लगा हुआ है नान खटाई का दुकान। इस साइड देखिए आइसक्रीम का भी दुकान है। इस साइड बच्चों का खिलौना बिकते हुए नज़र आ रहा होगा। हर माल 60 रुपये। इस साइड देखिए कप प्लेट बिकते हुए नजर आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस साइड देख रहे हैं ये है डमरू, खटाई, बच्चों का खिलौना। इस साइड देखिए चूड़ी कंगन दिख रहा है, इस साइड बैलून।
साइड देखिए नारियल पानी। यहाँ से आप फूल मालाएं ले सकते हैं, ठीक है, जगन्नाथ भगवान को चढ़ाने के लिए। फिलहाल देखिए रथ के सामने जो भीड़ है काफ़ी ज़बरदस्त है, दर्शन करने वालों लोग का और फोटो खिंचवाने। ये दर्शन करने वाले कम है लेकिन फ़ोटो खिंचवाने वाले बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देख रहे हैं, ये है पूरा रात का दृश्य, काफी जबरदस्त भीड़ है। चलिए फिलहाल हम लोग किनारे से निकलते हैं आगे जहाँ पर लगा हुआ है झूला। अब झूला भी आपको दिखाए थे, रात का सीन कैसा है। और चारों तरफ देखेंगे तो पुलिस फोर्स की टीम भी मौजूद है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों आपको बता दें अपने वीडियो के माध्यम से और अपना एक अनुभव, जो देखिए पहले जो भीड़ हुआ करता था यानी कि 7 से 8 साल पहले, अब वैसा भीड़ नहीं रह गया है इस मेले में। नहीं तो आप देख पा रहे होंगे जो कि ये जगह जो देख रहे हैं यह भी जगह नहीं रहता है पैर रखने के लिए। फिलहाल देखिए रास्ता का जैसा कि मैं बात ही कर रहा था डाइवर्ट कर दिया गया है, तो बस खाली पैदल आने जाने के लिए पूरा यह रोड जो है वो खाली है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं उस साइड पूरा लगा हुआ है ब्रेक डांस है और डैगन ट्रेन, उसे आपको दिखाते हैं। इस साइड देखिए गोला बिक रहा है, सामने है चाउमीन का शॉप। इस साइड देखिए सोडा पानी मिल जाएगा, ये देखिए लगा हुआ है बच्चों को कूदने के लिए। सामने देखिए एक झूला है और उसके ठीक सामने है ड्रैगन ट्रेन, इस साइड है ब्रेक डांस। फिलहाल देखिए इस साइड टिकट काउंटर है, जो इसका जो प्राइस है वो है 80 रुपये। महंगाई के हिसाब से देखिए रेट भी बढ़ने लगा है और इसका भी प्राइस जो है डैगन ट्रेन का इसका भी है 80 रुपये, एक लोग का 80 रुपये और जो राउंड है वो लगेगा 6 राउंड। उसी प्रकार उसका भी जो है उसका भी 6 राउंड लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। फिलहाल देखिए मैं आ चुका हूँ मेन रोड पर, इस साइड देखिए गोला, क्योंकि गर्मी के समय है तो आपको ज़्यादातर ठंड वाला आइटम ही नज़र आएगा और उसके बाद नान खटाई, ठीक है। इस साइड देखिए बच्चों का खिलौना, इस साइड भी देखिए बच्चों का खिलौना बिकते हुए नजर आ रहा होगा। कहाँ लगे
ये नीचे साइड है नारियल। यहाँ पर भी देखिए स्टॉल लगा हुआ है कई सारा। फिलहाल देखिए जो दुकान है वो काफी आगे तक लगा हुआ है, तो मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इस साइड देखिए छोटा वाला झूला है, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे। एक इस साइड भी है, और आगे भी है। इस साइड देखिए बच्चों का झूलने के लिए है मिकी माउस लगा हुआ। इस साइड देखिए झूला है छोटा वाला, और इस साइड है नाव वाला झूला। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आइसक्रीम के दुकान सर देखिए गोल गप्पा, जैसे पानी पूरी सब लोग बोलते हैं, गोला मोमोज। यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रहा है क्योंकि बगल में ही है लगा हुआ झूला कई सारे। फिलहाल देखिए सबसे छोटी सी दुख की बात तो यह है कि जो बड़ा वाला जो झूला है इस बार नहीं लगा। बड़ा वाला जो झूला रहता था पहले सामने लगा रहता था, यानी जहां पर आप देख रहे हैं मिकी माउस जो लगा हुआ है पहले वहीं पर लगा रहता था, लेकिन इस बार जो है बड़ा वाला जो झूला है वह नहीं लगा। जो लगा हुआ है जिस तरह देखिए बड़ा वाला नाव है, और एक ये है ब्रेक डांस। ये देखिए ये बच्चों वाला जो है ये कूदने वाला है, 6 राउंड ₹40। ये देख रहे हैं फिलहाल देखिए जो नाव वाला जो झूला है वह चालू हो चुका है। फिलहाल देखिए अभी मैं झूले साइड से मैं आ चुका हूँ बाहर। फिलहाल जिस प्रकार का भीड़ रहना चाहिए रथ यात्रा मेला में, उस प्रकार का भीड़ तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आपको प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।